हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्वेंटी फोर नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायु सेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंड्स इंडियन एयर फोर्स में जो ये नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर जारी हुई है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजमेंट फॉर प्री रजिस्टर रिक्रूटमेंट रेडी अग्निवीर वायु म्यूजिशियन फॉर मेल एंड फीमेल फॉर इंटेक्स जीरो वन सिलेस दो हजार पच्चीस तो यहां पर फ्रेंड्स आपको अपेयर होने के लिए इस रिक्रूटमेंट रैली में आपको फ्रेंड्स मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये इंटेक है ये जीरो वन स्लैस दो हजार पच्चीस है और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे जॉबरासा डॉट कॉम पर वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी बात करेंगे यहाँ पर इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहां पर फ्रेंड्स से देखिए भारतीय वायु सेना का इंडियन एयर फोर्स का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इनवाइट किया गया है अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से जो कि रिक्रूटमेंट रैली आपकी जो रहेगी वो रहेगी फ्रेंड्स से 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई चौबीस तक और ये फ्रेंड्स आपके गिवन सेंटर पर होने वाली है जो कि आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है जैसा मैंने कहा अग्निवीर वायु इनटेक जीरो वन स्लैस दो हजार पच्चीस आपकी ये वैकेंसी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और वैकेंसी ये एयरफोर्स में है तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को जब आप चेक करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आपसे यहां पर कहा जाएगा अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई यहां पर कर सकते हैं डेट है तीन जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 सब स्ट्रीम जो है वो है अग्निवीर वायु म्यूजिशियन की इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए प्रोफेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रेंड्स आपसे प्ले करवा कर देखे जाएंगे इंग्लिश का जो रिटर्न टेस्ट है वो आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका यहाँ पर होगा और एडेबिलिटी टेस्ट होगा साथ में मेडिकल टेस्ट आपका होगा और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं वो ऑल स्टेट होते हैं और यूनियन टेरेटरीज होती हैं इंडिया की तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो सुबह ग्यारह बजे स्टार्ट होंगे बाईस मई दो को और क्लोज़ हो जाएंगे पाँच जून दो चौबीस को तो यहां पर फ्रेंड्स रात को ग्यारह बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं बाईस मई से 5 जून दो हजार चौबीस तक और रजिस्टर कैंडिडेट को जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा इसमें फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले है यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ इसमें देखिए कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 पर या इनके बीच में गिवन डेट पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथ में ये ध्यान रखिएगा ओनली अनमेरिड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं चाहे मेल है या फीमेल है उनका अनमेरिड होना जरूरी है क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेंथ क्लास पास आउट होना आपका ज़रूरी है मिनिमम पास हो आपका होना ज़रूरी है आप पास आउट हैं आप आवेदन कर सकते हैं साथ में म्यूजिक एबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए अब कौन कौन से में आपकी होनी चाहिए तो लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको इंस्ट्रूमेंट की दी गई है इसमें आपकी जो है एबिलिटी होनी चाहिए साथ में फैन से आपके पास म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर होना चाहिए जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है हाइट की बात करें तो वन सिक्स टू सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.52 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है और इन एरियाज़ के कैंडिडेट को जो हाइट है उसमें छूट मिल जाती है इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो चेस्ट है उसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो मिनिमम जो चेस्ट है वो सेवेंटी सेंटीमीटर आपका होना चाहिए और पाँच सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो मेडिकली फिट होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि आप यहाँ पर जो डिस्चार्ज कैंडिडेट हैं जो भी आर्मी इंडियन नेवी से या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं तो सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए और वो फ्रेंड्स आपको जो है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लेके जाना होगा खुद का इसके बाद फ्रेंड्स एच पेंसिल इरेजर शार्पनर ग्लूस्टिक स्टेपलर पेन आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड लेके जाना है आपके फ्रेंड से टेन अन जो रिसेंट फोटो है वो आपको लेके जानी होगी और फोटो कैसी होनी चाहिए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हा हर चेस्ट विद हिज या हर नेम और साथ में डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन और ये फ्रेंड्स वाइट चौक से कैपिटल लेटर में आपका मैंशन होना ज़रूरी है ऑर्जनल और, और चार सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी मेटिकुलेशन की इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो भी कॉपी सर्टिफिकेट है म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लेके जाना होंगे ओरिजिन में फोटो स्टेट इसके अलावा फ्रेंड्स पर अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आपको ये कंसेंट फॉर्म भी फिल करवा कर लेके जाना होगा आपके पेरेंट्स से इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बताया गया है ट्रेनिंग के बारे में लीव के बारे में और आपको कितनी यहां पर छुट्टियां मिलने वाली हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए पे अलाउंस आपको दिया गया है तो तीस हजार रुपये पर मंथ आपको यहां पर सैलरी मिलती है और जो सैलरी रहेगी वो चारों ईयर आपको कितनी कितनी मिलेगी वो आपको जानकारी दी गई है साथ में आप जब आपके चार साल कंप्लीट हो जाएंगे जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको फ्रेंड्स सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत दस लाख रुपए भी आपको साथ में दिए जाएंगे क्योंकि अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत है तो यहां पर जो वैकेंसी है ये आपकी परमानेंट नहीं होती ओनली पच्चीस कैंडिडेट को यहां पर जो है सीट को जो है कन्फर्म किया जाता है रेगुलर किया जाता है

इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा ओ एम आर शीट पर होगा इसके अलावा फैन जो ड्यूरेशन है टेस्ट की वो थर्टी मिनट्स की रहेगी इसमें इंग्लिश के तीस क्वेश्चन होंगे मेट्रिकुलेशन लेवल के इसके बाद फैन से एक नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर है पी एफ टी पी में देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है सात मिनट में मेल कैंडिडेट को आठ मिनट में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है पी एफ टू जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर पी एफ वन के बाद यहाँ पर होगा जिसके लिए आपको दस मिनट का बीच में गैप मिलेगा इसमें देखिए मेल कैंडिडेट की दस पुशअप हैं एक मिनट का समय आपको मिलेगा दस सेटअप्स हैं बीस स्क्वाइड्स आपको यहाँ पर करने होंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए दस सेटअप्स हैं एक मिनट थर्टी सेकेंड में और पंद्रह स्क्वायस हैं एक मिनट में आपको ये कम्प्लीट करने होंगे इसके अलावा आपका एडिबिलिटी टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है और उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ही आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो तो रखी गई है इस बार हंड्रेड रुपीज प्लस में जीएसटी जो कि आपको ऑनलाइन यहां पर जमा करवाना है। इसके पर दो नवंबर चौबीस को जारी की जाएगी एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो फ्रेंड्स से अट्ठाईस नवंबर दो को जारी की जाएगी इसके अलावा इंस्ट्रक्शन है वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो यहां पर नोटिफिकेशन के जितने भी मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिए मेन पॉइंट है इसके बेसिस पर आपको आवेदन करना है। आपके पास सर्टिफिकेट अगर है का और आप आप जानते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाना तो फ्रेंड्स इसमें आवेदन कर सकते हैं तो यहां तक जो भी मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड की है भारतीय वायुसेना से रिलेटेड वो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब फॉर वॉचिंग